पुलिस थाना अंतर्गत पावन गांव रोड स्थित खेत खलियान में 13 अप्रैल को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर हत्या का गुनाह दर्ज किया गया था। इस मामले में यूनिट 3 की टीम ने संदेहास्पद रूप में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में पवन गांव रोड स्थित खेतों में एक शव मिला था। उस मामले में लिप्त आरोपियों को क्राइम ब्रांच की यूनिट टीम की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देवेंद्र ठाकुर द्वारा दी गई है। माई अप्रैल महिना 13 तारखेला पावनगाव रोड वर शेत शिवारात एक पुरुष जातीची बॉडी भेटलेली होती। त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद त्यावेळेस करण्यात आलेला होता। 302 गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता। नागपूर शहर युनिट 3 क्राईम ब्रांचच्या युनिट 3 गोपनीय माहिती मिळाली होती की 3 आरोपी आहेत, त्यांनी सदरचा गुन्हा हा केलेला आहे। त्यांच्यासोबत जो 4था आरोपी आहे तो मयत झालेला आहे। अशा संशयाच्या आधारावरून युनिट 3 टीम PI मुकुंद ठाकरे साहेब यांची त्यांची टीमने 3 संशयित लोकांना ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यांना विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केले। त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलीस स्टेशन कडमना यांना हँडओव्हर केलेलं आहे। आम्ही त्यांना सदर गुन्ह्यात अटक केलेली आहे। त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केलेले आहे। त्यांचे नावं रवींद्र दिलीप शर्मा, रितेश सूर्यकांत खडगी आणि अरविंद सुखलाल कटरे असे तिघांचे नाव आहे। तो 4था व्यक्ती जो आजारामुळे मरण पावलेला आहे त्याचं नाव करण उर्फ माया मिलिंद बारस्कर असं त्याचं नाव आहे। आरोपींना गुन्ह्यात अटक केलेली आहे आणि त्यांचा उद्यापर्यंत 20 तारखेपर्यंत PCR आहे। आरोपींच्या म्हणण्याप्रमाणे जो मृतक होता त्याच्याकडे पैसे होते, 2 लाख रुपये अंदाजन होते आणि ते पैसे घेण्याच्या उद्देशाने सदरचा मर्डर झालेला आहे, असं आरोपींनी प्राथमिक तपासात सांगितलेले आहे। पैसों के लेन देन के मामले में ये हत्या होने की बात आरोपियों द्वारा कबूली गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रविंद्र दिलीप शर्मा, रितेश सूर्यकांत खड़की, अरविंद सुखलाल कटरे और 4थे नंबर के आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।